नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन भारत में और मैं हूँ आपके साथ प्रंसीता है ना। ये रुख करते हैं एशियन के खास मुद्दे की तरफ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विवादित ट्वीट के बाद अब बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है। साथ ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ गलत ट्वीट करने पर कई शहरों में उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। अब इस मामले में दिग्विजय सिंह ने भी अपनी सफाई पेश कर दी है, लेकिन सवाल यहां सिर्फ दो खड़े हो रहे हैं। क्यों ये सांप्रदायिक हिंसाकरण राजनीतिक बन गया है? और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, क्या 2023 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो चुकी है? हम चर्चा करें उसके पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद खास मेहमानों से रूबरू कराते हैं। बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर एक ना एक लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। शायद अब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तू तो हानिकारक है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में प्रदेश में कई जगह FIR दर्ज की गई। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को एक फोटो शेयर किया था जिसमें एक शख्स मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते दिख रहा था। उसके साथ अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा था, तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है। क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या उन्होंने पत्थर फेंके? चाहे जिस धर्म के हों, सभी के घर बुलडोजर चलेगा। शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। दिग्विजय सिंह ने इस फोटो को खरगोन का बताया था, जबकि असलियत में वो बिहार की फोटो थी। हालांकि गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने अपना ये ट्वीट कुछ ही घंटों बाद डिलीट कर दिया। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा, दिग्विजय प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के लिए हानिकारक बताया। साथ ही ये भी कहा कि उनके ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह अब अलग थलग पड़ गए। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अपनाते थे, सोहन वाल्मीकि जी के बयान के बाद में लग रहा है कि उसी दाव से उन्हें चित्त किया जा रहा है। शायद अब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तू तो हानिकारक है, और इसलिए अब अलग थलग पड़ गए हैं दिग्विजय सिंह जी। उनकी वफा का चर्चा ही ऐसा कि अपनी वफा से भी शर्मा रहे। देखो, दिग्विजय सिंह जी अब एक तरफ अलग थलग पड़ गए हैं और इसलिए अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, कोई एक भी उनके पक्ष में नहीं आया, उनके खिलाफ ही आए। और सच में उन्होंने बहुत खराब ट्वीट किया था। ये मध्य प्रदेश के हित का ट्वीट नहीं है। आप जिस तरह से प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने के लिए आपने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश की शांति भंग के लिए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा तो अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। 24 घंटे भी ऐसा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए कि आप प्रदेश को आग में झोंक दो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। अब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व था ना, धोखे वाला, उसका भी बेनकाब कर दिया पूरी कांग्रेस को। इसलिए अब जो चाहे हनुमान चालीसा पढ़े चाहे कुछ और पढ़े, पर ये समझ में आ गया है कि ये कौन सी खाल उड़े रहते हैं। वहीं अब ट्वीट विवाद में फंसे दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए एक बार फिर से सरकार को ललकारा। दिग्विजय सिंह ने कहा, सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर कितने ही मामले दर्ज हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर एक नहीं बल्कि 1 लाख FIR दर्ज कर दो। पूरे देश में बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, मेरे खिलाफ भी चले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर एक ना एक लाख हो जाए तो मुझे चिंता। फिलहाल विवादित ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह बुरे फंस गए। उनके इस ट्वीट के बाद कई कांग्रेसियों ने उनसे दूरी बना ली। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार ट्वीट पर गरमाई सियासत कहां जाकर थमती है। किसकी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासत चरम पर पहुंच गई है और इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर दिव्या गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता शांभवी शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता और विनीत पाठक, इसी भारत के ब्यूरो चीफ। ये तीनों मेरे साथ होंगे और तीनों से सवाल जवाब होंगे। शांभवी जी, सबसे पहले आपसे, कांग्रेस एक अहम विपक्षी पार्टी मानी जाती है, लेकिन अब विपक्ष इस तरीके की भूमिका निभा रहा है कि वो ही खुद कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं, क्या ये सोची समझी साजिश थी या गलती थी? उन्होंने अपने ट्वीट में ये क्लियरली कहा है कि उनके पास
हजारों मैसेजेस आते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उनने शेयर किया, जब उनको वास्तविकता पता पड़ी तो उन्होंने तुरंत डिलीट कर दी। तो क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी उठाएंगे और पेस्ट करके उसको ट्विटर पे ट्रेंड करवा देंगे? यूनिवर्सिटी की नहीं है, जो इमेज है, जो फोटो है, वो बिहार की तो है ना, मतलब इस देश में की तो फोटो है वो। देखिए शांभवी जी, सवाल ये उठता है, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद कोई ऐसी हिंसा नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो सकते हैं, ऐसी हिंसा थी वो? अगर दिग्विजय सिंह एक ट्वीट करते हैं किसी मस्जिद के ऊपर भगवा लहराया जा रहा है और वो खरगोन की तस्वीर बता रहे हैं, वो तो दंगे तो और बढ़ सकते हैं ना, और वो एक राज्यसभा सांसद है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सेक्युलरिज्म करती है, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास रखती है, ना कि जातिवाद की राजनीति करती है। और दिग्विजय सिंह की तो इसका ज्यादा सख्ता उदाहरण है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में एक दंगा नहीं हुआ। दिव्या जी, जातिवाद राजनीति होती है बीजेपी की, शांभवी शुक्ला ये बोल रही हैं, गलती हुई है ऐसा उनका कहना है शांभवी शुक्ला का, लेकिन दिग्विजय सिंह है वो मानने को तैयार नहीं है कि गलती थी उनसे। देखिए अब तो मामला मुझे लगता है कि और खराब हो गया है। देखिए एक व्यक्ति ने पहले गलती नहीं थी, मैं इस चीज को गलती नहीं मानती हूँ, ये अपराध की श्रेणी में आता है। जब दंगे का समय हो, जब संवेदनशील मामला हो, तब अगर आप इस तरह की तस्वीर ट्वीट करते हो तो इसके पीछे दो कारण है, या तो आप वाकई आज में घी डालना चाहते थे और आपकी आईटी टीम या तो इतनी लक्कर है कि उन्होंने कुछ भी उठाया और आपके नाम पर लगा दिया और आपको पता भी नहीं कि आपकी आईटी टीम ने क्या लगा दिया, तो ये तो और भी खतरनाक है कि आपके साथ ऐसे प्राणी जीते हैं जिनके पास इस बात की भी इल्म नहीं है कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। और अगर ये अगर ऐसा हुआ है तो दूसरी बात ये कि अगर आपको पता था कि ऐसा हो रहा है तो वो तो अपराध को क्यों आपने जानते बूझते हुए अगर इस तस्वीर को शेयर करा, और गलती करने के बाद आप डिलीट करने के बाद बोले कि लीपा पोती करके मैंने हटा तो दिया और मैंने खत्म तो कर दिया, कांग्रेस बोल रही हटा तो दिया तो क्या गलत हुआ, मामला खत्म हो गया। साहब कोई डेटा की गलती थी, कोई नंबर की गलती थी, किस बात की गलती थी, कहीं वो गलती नहीं हुई, ये अपराध की श्रेणी में आता है कि आप ये दंगे के समय में एक और दंगा करवाने के लिए इस तरह की तस्वीर को ट्वीट कर दिया है। और आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 साल तक आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप आज भी राज्यसभा सदस्य हैं, यानी आप बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप सम्मानित सदस्य हैं, और फिर उसके बाद आप इस तरह की ओछी राजनीति यदि करेंगे तो इस बात को लेकर बहुत संशय होता है, या तो आप बहुत गलत राजनीति आज तक करते आए हैं जो हम सब जानते हैं कि गलत राजनीति करते आए हैं, क्योंकि अगर आपने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन करा था तो हम सब जानते हैं आपकी राजनीति किस तरह की राजनीति है। दूसरी बात, अगर आप इस बात को लेकर अभी भी अटक हुए और आप कांग्रेस बोल रही उन्होंने माफी मांगी, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने क्या करा था, कर दो और बहुत सारे मुकदमे। एक इज्जतदार व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है, अगर आपने उस इज्जत को उतार फेंका तो फिर क्या मतलब रहा, तो आपने इस वक्त ये बोल दिया कि मेरे पे कोई मर्जी मुकदमा करते रहो, आई एम नॉट सॉरी, मैंने कुछ गलत करा ही नहीं, मतलब आपको आपराधिक बोध भी नहीं हो रहा, आपको अपनी आपराधिक बोध भी नहीं हो रहा, आपको गलती भी नहीं माननी आ रही और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कर क्या दिया है, तो फिर समझ रही है कि डेफिनेटली एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। जी उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियरली कहा गलती वो इसलिए नहीं मान रहे हैं, और मैं भी इस बात को गलती नहीं मान रही हूँ, इसको अपराध की श्रेणी में गिनते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था ट्वीट करके, और मैं तो मानती हूँ कि क्योंकि खरगोन में हमारी सिटिंग विधायक जी है रवि जोशी जी, जो की कांग्रेस पार्टी के चुनाव सर पे है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि कैसे हमारे विधायक की छवि बिगाड़ी जाए। मैम मैं एक बात पूछना चाहूंगी शांभवी जी से, मतलब
षड्यंत्र जिन लोगों ने पत्थर फेंका वो षड्यंत्र नहीं है, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका वो षड्यंत्र नहीं है, जिन्होंने घरों में अंदर जाके सिलेंडर को खोल के ब्लास्ट करा वो षड्यंत्र नहीं है। आपको ये षड्यंत्र नजर आ रहा है कि आपका ट्वीट करा गया ये षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको, आपके विधायक के नाम पर बोला जा रहा है ये षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको। शामी जी कुछ तो रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, कभी तो दंगे का समय है, कभी तो आपको समझ में आ रहा है कि राजनीति करने का समय नहीं है। जब बाजार ठंडा हो जाए फिर उसके बाद आप और हम बैठ जाएंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन इस समय अगर आप इस तरह के ट्वीट करेंगे तो ये सचमुच बहुत गलत इम्प्रेशन नहीं, ये अपराध है। आप दंगे में एक आग में घी का काम कर रहे हैं। दरिया जी इसी बीच एक और आरिफ मसूद जो है उन्होंने भी बोला है कि ये सुनियोजित है, पहले से ये प्री प्लान्ड दंगे थे जो बीजेपी ने ही करवाए हैं, यानी कि खुद बीजेपी वहां पर गई पत्थर फेंका, उनका ये कहना है। तो इस पर क्या कहेंगे आरिफ मसूद विधायक का बोलना? भोपाल के विधायक, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये तो मुझे पूछा क्या आपने? जी आपसे दिव्या जी आपसे पूछ रही हूँ। मेरा ये कहना मैम कि आप ये बात समझिए कि ये पत्थरबाजी कहाँ से चलकर आ रही है। हमने कश्मीर में भी यही मॉडस ऑपरेंडी देखी, हमने दिल्ली में भी यही मॉडस ऑपरेंडी देखी, अब हमने यहाँ भी देखा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ एक विशेष लोग हैं जो ये काम करने में अपने आप को बहुत माहिर समझने लग गए हैं, और अगर उन्होंने इसको सुनियोजित तो सुनियोजित किसने करा? जिनके घरों से पत्थर बरसे, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने लोगों के घर जाके तोड़फोड़ करी, उनके रसोई घर के सामान निकाल के बाहर फेंके, वो सुनियोजित था? या ये जिन्होंने आरोप लगाया आरिफ मसूद ने, जो सिर्फ हमेशा सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, और अभी भी नीमा मोदी जगह में लगी हुई कांग्रेस, अभी भी उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस आग के साथ खेलने में लगे हुए हैं ये लोग। मैंने आपसे फिर कहा राजनीति करने का समय नहीं है अभी। अभी अगर इनमें मेच्योरिटी होती, चाहे वो दिग्विजय सिंह होते, चाहे कोई भी कांग्रेस का सदस्य होता, वो अभी पहला मैसेज ये करता कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखिए, अभी वो समय नहीं है। और दिग्विजय सिंह तो मुख्यमंत्री थे, कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो करते। आरिफ मसूद के MLA कम से कम इतना तो समझ के रखते, ऊपर से कहते कि बीजेपी का षड्यंत्र। ये मॉडस ऑपरेंडी कांग्रेस की है, और ये अभी आपने गुजरात में देखा, गुजरात में भी यही हाल करा इन्होंने, जहाँ भी यही हाल करा इन्होंने। अब जहाँ इनको चुनाव आने लगेंगे वहाँ अब इस तरह के उपद्रव और दंगे करवाने में कांग्रेस पुरानी इनका यही तरीका है, और यही तरीका ये लोग अपनाते चले आ रहे हैं। मैं बिल्कुल बिना सोचे बिना झिझके मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये इनका काम करने का तरीका, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, कोई तर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। शांति जी, करौली में घटना होती है राजस्थान के, आनंद में घटना होती है गुजरात के, और खरगोन मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना होती है। यहाँ तीनों जगह सियासी पारा चरम पर पहुंचने वाला है कुछ वक्त बाद, चुनावी यहाँ पर साल आने वाला है, और लगातार यहाँ दंगे हो रहे हैं। सब बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जैसे जैसे यहाँ चुनावी बिगुल बजेंगे वहां दंगे होंगे, और ये सीधे सीधे कांग्रेस करवाएगी, सीधा आरोप छोटा सांसद। ये तो भाजपा का पैटर्न है ना, आप देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री है, वहाँ पे तो बोगियों की बोगियों, हिंदू मुसलमान सबकी लाशें थी। अब सही बात तो ये 2018 विधानसभा चुनाव में जो जी वो जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, फिर पैसे के लाची कुछ गद्दारों से लोकतंत्र की हत्या कर वापस से उनको गट्टी पे बैठाया। अब आप देखिए व्यापम दंपर शिक्षक बेरोजगारी महंगाई स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फिट हो गए। आज इनके पास मुद्दा क्या बचा? दंगे करो, हिंदू मुसलमान करो, जातिवाद तो करते आज के भारतीय जनता। मेरा एक प्रश्न है शामी जी से, यही रामनवमी के जुलूस, यही रामनवमी के जुलूस अभी उत्तर प्रदेश में भी निकले, उत्तर प्रदेश में तो कहीं दंगा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां चुनाव हो चुके हैं। अब आपको कांग्रेस उन सारे प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मैंने आपको फिर कहा कि ये इनका तरीका है, ये मोडस ऑपरेंडी है,
ये इसी तरीके को जानते हैं और यही उनका कार्यशैली है। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जब दंगा हो रहा हो, जब संवेदनशील तरीका हो, वहाँ पे अभी बहुत अभी भी बच्चों में भीड़ नहीं है, तो अभी भी आप इस बात को लेकर बात नहीं आ रहे हैं कि कोई एक कांग्रेस से हिम्मत करे और ये मैसेज भेजे कि शांति बनाए रखिए। हम चर्चा करेंगे ना, क्यों नहीं उसका विमोचन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी कार्रवाई कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा हमारे। अच्छा, आपका कोई दायित्व नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है या कोई भी ऐसा जिम्मेदार पर्सन नहीं है जो जाकर बात करें? शांभवी जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश के, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं दंगों की? कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई शांभवी जी, ध्वनिध्वस्त कर दिए गए माफियाओं के, अपराधियों के मकानों को। आप मुझे कौन दिया? आप मुझे कोई एक ट्वीट, आप लोग तो बहुत ट्वीट होता है ना, एक ट्वीट होता है, ये तो ट्वीट कर देते आप वहाँ पे, तो आप बोल रहे हैं वहाँ के। अरे आप लोग तो बहुत ट्वीट होता है, आप लोग बच्चे से ट्वीट करना तो जानते हैं, कम से कम एक जगह तो आता बोलने की नेता ट्वीट कर देता। चलिए विनीत पाठक से टिप्पणी ले लेते। विनीत जी, जैसे जैसे सियासी पारा चरम पर पहुंच रहा है, चुनाव वहां पर आ रहे हैं, तीनों जगह देख लिया जाए, पर अभी खरगोन की बात कर लेते हैं, तो वहां पर अगले साल चुनाव है, तो हिंदू मुस्लिम के एंगल से अगर इसको देखा जाए तो राजनीति बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों अपनी चमका रही है। और जो महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, आरोप है कांग्रेस का कि बीजेपी उसको छुपाने के लिए ऐसे दंगे फसाद कर रही है। जी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इसके कई एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से बीजेपी के ही लोग, सरकार के ही लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ किया गया, पेट्रोल बम चलाए गए, पत्थर घर की छतों पर इकट्ठे किए गए थे और पूरी तैयारी इसकी प्री प्लान पूरा ये था, तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ये सरकार का है, गृह विभाग का है कि आखिर गृह मंत्रालय के नाक के नीचे इस तरीके से पूरी प्लानिंग कैसे हो जाती है और त्योहार के मौके पर घटना को अंजाम भी दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्लानिंग थी तो कहीं ना कहीं ये सरकार का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है और यही बात कांग्रेस लगातार कह रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें दिग्विजय सिंह के ट्वीट की, ट्वीट करके दिग्विजय सिंह खुद ही उन्होंने अपना सेल्फ गोल किया, जिसके चलते आज कांग्रेस मुसीबत में है। हालांकि ये ट्वीट गलती से हुआ या जानबूझकर दिग्विजय सिंह ने किया, ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि जितना हमने दिग्विजय सिंह को देखा है, लगातार लंबे समय से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को हम देख रहे हैं और जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो निरर्थक कभी नहीं होता। दिग्विजय सिंह अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर भी खींचतान चल रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस मुसीबत में है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर इस ट्वीट के पीछे कारण क्या था, मकसद क्या था। हालांकि अभी दिग्विजय सिंह ये जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से पूरे देश में, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी एक एजेंडे पर काम कर रही है, जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय, धर्म विशेष के लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और यही सुर असदुद्दीन ओवैसी के भी हैं, उन्होंने भी खरगोन की जो घटना है, जिस पर कि सरकार ने इस पूरे दंगे के बाद जिस तरीके से कार्रवाई की है, उसको लेकर के अब विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद एक्शन लिया गया और मध्य प्रदेश में किसी भी दंगाई पत्थरबाज को नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, इस पूरी घटना पर अगर देखें तो कांग्रेस आज एक प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने डीजीपी के पास वो गए थे और उनसे मुलाकात की। साफ तौर पर उनका कहना है कि घटना जो है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका कहना है कि एक धर्म विशेष के लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है और इसको लेकर के वो जांच की मांग कर रहे हैं। तो अब चूंकि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव आना है और ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसके चलते राजनीतिक बिसात मध्य प्रदेश में बिछ चुकी है और एक तरफ हम देखें तो कांग्रेस जो है वो घटना की निंदा कर रही है, लेकिन साथ साथ जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की गई है
उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है और उनका कहना है कि एक निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का सीधा स्टैंड है कि जो भी दंगाई होगा, जो भी इस तरीके से काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी सही है कि इन सब चीजों से अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जब इस तरीके की सांप्रदायिकता की बात होती है तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता नजर आता है, चाहे उत्तर प्रदेश देखें या अन्य दूसरे जिले जो प्रदेश है उनकी हम बात करें। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में अभी और हो सकती हैं, इसको लेकर के जरूर चिंता जाहिर करने वाली बात है। और दूसरी तरफ जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वोट जो है वो पूरी की पूरा पोलराइज हो जाता है और कहीं ना कहीं जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो पीछे छूट जाती हैं और यही मकसद सभी राजनीतिक दलों का होता है। जी बिल्कुल, ध्रुवीकरण तो बिल्कुल होता है ऐसे मुद्दों में। विनीत जी, आऊंगी आपके पास अगला सवाल लेके, दिव्या गुप्ता जी आपके पास वापस आऊंगी। दिव्या गुप्ता जी, क्या होड़ लग गई है बीजेपी में, बुलडोजर बाबा हो गए, बुलडोजर मामा बनने की? सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो कानून है उसके तहत पहले नोटिस जारी किया जाता है, फिर उसको कहा जाता है अवैध निर्माण, फिर ना माने तो उसको तोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ तो दूसरे दिन ही बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा हो, भले पत्थर किसी ने भी फेंका हो, और वही स्टैंड कांग्रेस भी ले रही है। देखिए, ओबीसी जी का तो पूछ के आना बिल्कुल जायज नहीं है। ओबीसी जी जहाँ है वही बहुत अच्छे थे। अनावश्यक किसी भी मामले में अगर वो स्टेटमेंट देने लग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि जब वो पूरी जानकारी नहीं हो और फिर वो इस तरह की बातें करें तो फिर मैं कोई कहूंगी कि इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वो चर्चा करेंगे तो अच्छा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि हम एक माँ है, वो बच्चा उसका उद्दंडता कर रहा है, और बच्चा उछल कूद जरा ज्यादा कर रहा है, उसको डिसिप्लिन नहीं करना आ रहा है, तो माँ उस दिन क्या करती है? मारती है उसे। एग्जैक्टली, मेरा यही कहना है कि अगर आप कभी कभी दंड ना दे, त्वरित कार्रवाई ना करें, तो ये उद्दंडता इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ माथे चढ़ जाती है। तो वही तो कांग्रेस का कहना है कि पहले जब यहाँ पर कुछ होता था, अपराध होता था, तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती थी, मंत्रालय में बैठकें चलती रहती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया क्योंकि चुनाव अगले साल है तो कार्रवाई तुरंत की जा रही है, ये एक सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस। मैम, ऐसा है कि तुष्टिकरण की राजनीति करते करते आज हम यहाँ तक आ गए कि हम लोग अब अपने आप को, अगर कोई भी खरगोन वाला वो व्यक्ति जिसके घर में घुस के ये तमाशा हुआ है, अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करके बोले कि मैं ये खरगोन छोड़ के जा रहा हूँ, ये घर दिखाओ कर दो क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, आप कल्पना कर सकते हो जिसके घर के अंदर घुस के उपद्रव हुआ हो, जिसको ये कहा गया है कि या तो आज कटना है या काटना है, जिसके घर के सामने अगर ये बातें हुई हो, अंदर घुस के ये बातें हुई, आप कल्पना करें कि हम किस दौर में से गुजर रहे होंगे। और उस समय अगर उस व्यक्ति को या उन लोगों को अगर दंडित नहीं करा गया तो फिर वो सिर माथे चढ़ के बैठे। इसलिए ये आवश्यक है कि कभी कभी दंडनात्मक कार्रवाई अगर नहीं करी गई तो उसका उसके भी परिणाम, हम अगर ये वेट करते रहे कि साहब कानूनी कार्रवाई होती रहेगी, जब कानून अपना खेल खेलता रहेगा, वो सालों साल बीत जाएंगे, वो दंगाई ना वहां रहेगा, हम ढूंढते फिरेंगे कि किसने पत्थर फेंका था, किसने पेट्रोल पंप बनाया था, और हम ढूंढते फिर जाएंगे। सवाल यहाँ गृह मंत्रालय पर भी उठ रहा है और प्रशासन पर भी उठ रहा है दिव्या जी, कि पहले ये चेकिंग क्यों नहीं हुई, ड्रोन से चेकिंग क्यों नहीं की गई, उस इलाके से किसने परमिशन दी निकलने की, ये सवाल है। मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उसके पहले शांभवी जी, हार से बौखला गई है, चार राज्यों में हार मिली है, पांचों राज्यों में हार मिली है, मैं कहूंगी पांचों राज्यों में हार से बौखला गई है कांग्रेस, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है क्योंकि 2023 में यहाँ चुनाव है। अब बोला जाए ये हार गई है, हथकंडे अपना रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह जो ट्वीट करते हैं कुछ घंटों बाद उसको डिलीट कर देते हैं, विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका को तो अदा करिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं दिव्या जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हाल ही में भारतीय युवा मोर्चा के जो लोग हैं जिनमें पत्रकारों पे अत्याचार किया, महिलाओं के तो अव्यवहार करते रहते हैं, उन पे शिवराज जी क्यों नहीं एक्शन लेते? शांभवी जी, भारतीय युवा मोर्चा के लोग हम आए दिन
खबर सुनते कि अभी आप लोग को भी पता है सिक्किम के साथ जो व्यवहार किया कर्मियों ने क्या ठीक था। उसके पहले भी उन लोगों ने लोगों को दो दिन तक बंधक बनाकर मारे। शाम जी आपकी वॉइस में कुछ इशू आ रहा है अभी ठीक है अभी आवाज़ आ रही जी। मैं कह रही हूँ दुर्गा जी ने कहा कि जब बच्चा गलती करता है तो माँ क्या करती है सीखती है तो बाहर हुआ मोर्चा के लोगों ने सीखी में तो हुआ फिर उसके बाद दो दिन तक बंधक बना के रखा वो भी की युवाओं को मारपीट करी क्या वो ठीक था। फिर ये लोग कुछ ना कुछ करते उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती क्योंकि वो सीखती है। आपने उनसे दर्ज कर दी शिवराज सिंह जी की बार राहुल जी मॉब वीडियो कर चुके हैं आज पूरे यूथ कांग्रेस प्रदेश उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं क्यों कि कानून निष्पक्ष को कार्रवाई करता है शिवराज सिंह आप तो कानून को खरीद चुके हो ना। शाम्भवी जी आप जिस बात में बिल्कुल जिक्र कर रही हूँ वो कथन कहानी और कथन बिल्कुल कुछ और है और उसको इस चीज के साथ इसमें कंपेरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि आप अभी उपद्रव के साथ डील कर रहे हो आप अभी डील कर रहे हो एक बहुत संवेदनशील विषय पर। विषय है कि क्या दंगा हुआ या नहीं क्या पेट्रोल पंप गिराया गया या नहीं क्या पत्थरबाजी हुई या नहीं। आप कल्पना करिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप उस पर्टिकुलर चीज की किसी भी चीज को कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। आप किस प्रतिबंधित पिटाई की बात से छोटी मोटी घटना के जिक्र करने में लगे हुए हैं जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं इन लोगों को घर के अंदर घुस के उनको मारा गया है मैम उनको धमकाया गया है उनको जान बूझ के एटमोसफेयर क्रिएट करा जा रहा है कि तुम घर से है ये इलाका हमारा है आप समझ सकते हैं। चलिए शाम्भवी जी से उनका स्टैंड ले लेते हैं कांग्रेस का आखिर स्टैंड क्या है। शाम्भवी जी दंगे गलत हैं या फिर जो उसके बाद कार्रवाई हुई है वो गलत है सीधा सीधा एक एक लाइन में उत्तर। देखिए दंगे तो गलत हैं ठीक है दंगे गलत है उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो गलत है या नहीं। कार्रवाई शिवराज जी ने की उनसे जाके पूछिए मैं कोई नहीं होती हूँ इस पे बोलने वाली। शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई नहीं शाम्भवी जी कार्रवाई आप गलत मान रही हैं या सही मान रही हैं सवाल यहाँ ये है कांग्रेस का स्टैंड क्या है। जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ हो रहा है वो तो गलत है तो दिग्विजय सिंह अगर गलत हैं और उनके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है गलत को अगर गलत बोला जाता है तो प्रदेश की जनता भी गलत होगी सीएम भी गलत होंगे गृह मंत्री भी गलत होंगे। गलत है मैंने ये बोला दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है वो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा एक ट्वीट को बनाकर आगे आने वाले चुनावों को साधा जा रहा है एक छोटी सी टिप्पणी। मैम मेरी एक बात बताइए ट्वीट हमने नहीं करा ट्वीट जिस करा है मैं मुझे ये लगता है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत ओछी राजनीति की तरफ बढ़ गए हैं अगर उन्होंने ये ट्वीट करा था तो अगर वो ट्वीट करा था उसके बाद उन्होंने ट्वीट हटा दिया लेकिन दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कोई बात नहीं मुझसे मुकदमा छोड़ दो बहुत गलती है अपराध है उस अपराध का कोई क्षमा नहीं है मैम। विनीत जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे आखिरी टिप्पणी। विनीत जी जो घटना होती है उसका सीक्वेंस वाइज सबके सामने आता है फिर कार्रवाई होती है। कांग्रेस कहती है ध्रुवीकरण की जा रही है ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाई जा रही है वो उसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है कांग्रेस का ये आरोप होता है। बीजेपी कहती है कांग्रेस इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना रही है क्योंकि हार से वो बौखला गई है। तीसरी चीज ये उठती है कि विपक्ष क्या अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहा है क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। विपक्ष को अपना जो पॉइंट है उसको रखकर सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए लेकिन ऐसे ट्वीट आने के बाद ऐसे जो बयान आते हैं उनको आने के बाद खुद जो विपक्ष है वो जाकर कटघरे में खड़ा हो जाता है। जी देखिए अगर विपक्ष की अगर हम तो विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ सा विपक्ष मध्य प्रदेश में है एकजुटता जो होनी चाहिए वो नहीं है और यही कारण है कि महंगाई जिससे कि आम आदमी का बजट पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है
मध्यम वर्ग और जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके जीवन यापन में सब कठिनाई हो रही है और ये रोज की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है आदमी को। एक बड़ा मुद्दा है लेकिन उसको भी विपक्ष जो है ठीक तरीके से भुना नहीं पाया है, तो निश्चित तौर पर कमजोरी कहीं ना कहीं है। बात करें बेरोजगारी की तो मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा परेशान है, और दूसरी तरफ व्यापम जैसे कांड लगातार हो रहे हैं। तमाम बड़े मुद्दे कांग्रेस के हाथ में है लेकिन उन मुद्दों को ठीक तरीके से पब्लिक डोमेन में कांग्रेस के नेता रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में किसी तरीके का बड़ा आंदोलन पिछले लंबे समय से देखने में नहीं मिला है। और यही कारण है कि जब भी कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है तो उन्हीं के नेता इस तरीके से ट्वीट करते हैं या बयानबाजी करते हैं जिससे कि मुद्दा कहीं खो जाता है और किसी और ही मुद्दे पर चर्चा होने लगती है। इस घटना में भी यही हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया था कहीं ना कहीं सरकार इससे घिरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूरे के पूरी घटना जो बहस का मुद्दा था उसे ही बदल दिया और सीधा आरोप दंगा करने का, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कांग्रेस के ऊपर आ गया। और जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होती है और जब तक आला कमान या मध्य प्रदेश के नेताओं पर डंडा नहीं चलाता है अनुशासन का, तब तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब होती नजर आएगी कि कांग्रेस को अपने ही घर में उलझा के रखें और पूरा का पूरा चुनाव जो है वो जीत कर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार पर काबिज हो जाए, और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नेताओं को अब संभलना होगा और इसको लेकर आत्मचिंतन करने की जरूरत निश्चित तौर पर अब बेहद ज्यादा है। जी जी, बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, शांभवी शुक्ला, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बेबाकी से बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। फिलहाल विवादित ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह खुद अपने जाल में फंस गए हैं। पहले ये देखा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो घिरती हुई नजर आ रही थी खरगोन की घटना के बाद, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट और कांग्रेस धराशायी। अब ये देखना होगा कि इस ट्वीट के बाद आखिर राजनीति कहां तक पहुंचती है, कांग्रेसियों की जो राजनीतिक रोटी है वो सिकती है या बीजेपी की राजनीतिक रोटी सिकती है। अब देखना ये भी होगा कि इस ट्वीट से जो सियासत गरमाई है वो कहां जाकर थमती है। लेकिन अहम मुद्दा और सवाल यहां ये खड़ा होता है, क्या विपक्ष अपनी भूमिका को समझ नहीं पा रहा है? क्या विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार को रोकने के लिए उसे कौन से मुद्दे उठाना चाहिए और कौन से मुद्दे उसको वहीं पर रोकना चाहिए? अब ट्वीट तो उन्होंने कर दिया, घिर वो गए हैं, एफआईआर होगी, जेल जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में इतना ही, बने रहिए एशियन भारत पर। नमस्कार।